सब एंड 2024 बैच इज गोइंग टू स्टार्ट. अभी आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो और अभी से अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो. ओके एंड या आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज जिसमें कि मैं आपको करके बताऊंगी स्टार्टिंग से किस तरीके से ड्राइंग की एक जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, निफ्ट के प्रिपरेशन को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बेसिक क्लास ऑफ ड्राइंग जिसमें कि स्टार्टिंग से किस तरीके से ड्राइंग करना चाहिए. सो ये वाली सीरीज़ में हम स्टार्टिंग से ड्राइंग पे फोकस करेंगे कि हमको पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या हमको ड्रॉ करना चाहिए एग्जैक्टली. जो आपको चाहे पोस्टर बनाओ, चाहे मैस्कॉट बनाओ, चाहे कोई भी चीज़ें बनाओ जो निफ्ट में आता है, ये सब कुछ आपको हेल्प करें. हम कैटेगरी ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे जिसमें कि बहुत सारी कैटेगरी है जिसका आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. तो अगर आपको नहीं आता सो डोंट वरी, अगर आपको लाइन भी ड्रॉ करना नहीं आता तब भी डोंट वरी, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीरीज़, उसमें हम सब कुछ ही कवर करेंगे. ओके इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ मिलकर इंटर्नशिप कर सकते हो और अर्न कर सकते हो. तो अगर अभी तक आपने इंटर्नशिप वाला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लो, उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप करो अपना नेम एंड देन आई ऐड यू इन द इंटर्नशिप वाले ग्रुप में. ओके ये वाले वीडियो आप मेक श्योर शेयर करना सो दैट कि जो भी स्टूडेंट स्टक है कि 2024 का प्रिपरेशन कैसे करें या जो करने वाले हैं, सो ये वाली वीडियो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी किसी भी ड्राइंग को स्टार्ट करने में. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासेस, सो क्लासेस इज गोइंग ऑन. इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन मी और वहाँ पे भी आके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. फीस वेरी अफोर्डेबल, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप योर नेम एंड आई विल सेंड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द डिटेल. सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन आवर वीडियो. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू कैटेगरी ड्राइंग. फर्स्ट कैटेगरी इज फ्लावर्स. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लावर्स, तो फ्लावर को अगर आप सिल्वेट फॉलो करके बनाओगे तो आप शायद उतना अच्छा ना बना पाओ. बट जब हम बेसिक शेप के साथ बनाते हैं ना किसी भी ड्राइंग को, नॉट इवन फ्लावर, कुछ भी बनाओ आप, पहले बेसिक शेप बनाओ. जो भी उस फ्लावर में आपको बेसिक शेप दिख रहा है वो बना सकते हो. उसके अलावा आप नॉर्मल जो बेसिक शेप होता है उसको पहले ड्रॉ करके देन उसके सिल्वेट अलग से ड्रॉ कर सकते हो, लाइक इमेजिन करके भी. ओके सो यहाँ पे तो मैं इमेजिन करके कर रही हूँ. इसको करने से क्या होगा, इसको करने से आपको याद रहेगा कि फ्लावर बना कैसे, एंड सिल्वेट भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना इजी हो जाएगा आपके लिए और सबका प्रोपोर्शन भी बिल्कुल बैलेंस बनेगा. एक बार आप प्लीज़ ट्राई करना मेरे साथ बनाना. ओके एंड इस तरीके से बनाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं. अगर आप इसी तरीके से सारी कैटेगरी को बनाओगे, जितनी भी कैटेगरी मैं करवाऊँगी यूट्यूब पे, तो वो सब आप कर सकते हो अच्छे से. सो जस्ट डू विद मी, जितने भी फ्लावर्स मैं बनाऊँगी मेक श्योर आप मेरे साथ बनाना सारे. ओके एंड या जस्ट इन्जॉय दिस वीडियो एंड डू विद मी.
सो आई थिंक एंड आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. अगर आप कोई भी डाउट हो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो. और या डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद दोज हु वांट्स टू नीड. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ हैप्पी प्रिपरेशन. ऑल द बेस्ट. टाटा.